नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 फेम मनीषा रानी घर के बाहर आकर भी अपने दिलकश अंदाज से लोगों का खूब दिल जीत रही हैं। इन दिनों एक्ट्रेस अपने नए गाने जमुना पार के अलावा सिंगर टोनी कक्कर के साथ अफेयर को लेकर भी चर्चा में है। वहीं हाल ही में मनीषा ने टोनी की बहन और बॉलीवुड की फेमस सिंगर नेहा कक्कर के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिस पर कमेंट करते हुए अब नेहा के पति रोहन प्रीत ने तनीषा के रिश्ते का एक बड़ा राज सबके सामने खोल दिया है। दरअसल जब मनीषा रानी बिग बॉस के घर में थी तो पॉपुलर सिंगर टोनी कक्कर वहां एक कॉन्सर्ट के लिए पहुंचे थे। इस कॉन्सर्ट में टोनी की मनीषा के साथ बेहद क्यूट बॉन्डिंग देखने को मिली थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों का हैशटैग तनीषा ट्रेंड करने लगा। इसके बाद जब मनीषा बिग बॉस से बाहर आई तो उन्हें टोनी के साथ मुंबई में स्पॉट भी किया गया, जिसके बाद सभी को लगने लगा कि दोनों अब रिलेशनशिप में है। लेकिन इस पर चुप्पी तोड़ते हुए मनीषा रानी ने कहा था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वहीं अब मनीषा रानी ने सिंगर नेहा कक्कर के साथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें नेहा वन शोल्डर क्रॉप टॉप पहने हुए और मनीषा टॉप और स्कर्ट ड्रेस में नजर आ रही हैं। इन फोटोज में दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए मनीषा ने लिखा, रील्स भी जल्दी आ रही है मेरी फेवरेट और प्यारी नेहा दी के साथ। मनीषा के साथ ही इन तस्वीरों को नेहा ने भी अपने अकाउंट पर शेयर किया है। मनीषा की इस पोस्ट पर उनके फैन तो खूब प्यार लुटा रहे हैं। साथ ही नेहा के पति और सिंगर रोहन प्रीत भी खुद को इस पर कमेंट करने से रोक नहीं पाए और उन्होंने एक ऐसा कमेंट कर दिया जिससे तनीषा के रिश्ते का एक बहुत बड़ा राज खुल गया। रोहन प्रीत ने तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, मेरी बे भाई की बे के साथ। रोहन के इस कमेंट पर अब मनीषा रानी के फैन खूब प्यार लुटा रहे हैं और कह रहे हैं कि जल्द इनकी शादी भी करवा दो। बता दें कि मनीषा की इन तस्वीरों पर टोनी कक्कर ने भी कमेंट करते हुए लिखा, तुम दोनों से प्यार करता हूं। वहीं नेहा ने अपने कमेंट में लिखा, प्यारी मनीषा तुम्हें प्यार। खैर, आप भी इस पर अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही भी बताइएगा कि आपको ये जोड़ी कैसी लगती है। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी अंशिका शर्मा के साथ, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नेशन पर। धन्यवाद।